हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद काजल। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि छत्तू बेसर। छत्तू मीन्स मशरूम। मशरूम बेसर एक बनता है उड़ीसा में, तो मैं उसका रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट द रेसिपी। छत्तू बेसर बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड सीड, क्यूमिन सीड, लहसुन और एक रेड चिली को भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद चॉप्ड ओनियन, चॉप्ड टमाटर, 1 ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, ये मैंने कुछ पोटैटो बॉईल करके रखा था, और ये मैं मशरूम को थोड़ा हल्दी और सॉल्ट से फ्राई कर दी हूँ, और सॉल्ट, थोड़ा सा पानी चाहिए जो कि उसको बॉईल करने के लिए लास्ट में, और मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिए इसके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सब्जी बनाने से पहले इसका मसाला रेडी कर देते हैं। मसाला रेडी करने के लिए मैं जो भिगो के सब रखे थे उसको पहले छान लेते हैं पानी, क्योंकि इतना पानी हमें ग्राइंडिंग के लिए नहीं चाहिए, बहुत ही कम पानी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनना चाहिए इसलिए। तो मैंने अच्छे से इसको छान ली हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी दे के मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी। ग्राइंड करते टाइम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, जिससे टेस्ट अच्छा आता है मसाले का। देखिए मसाला अभी रेडी हो गया है, इसका पेस्ट ऐसे ही बनना चाहिए, उसके बाद ही आप मसाला फ्राई कर सकते हैं। अभी मैं पैन रखती हूँ जिसको गर्म करने के लिए, उसके बाद ऐड करते हैं ऑयल और थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, जिसको मैंने 1 कट करके रखा था। उसके बाद ऐड करेंगे ऑनियन, जो कि मैंने फाइनली चॉप करके ऑलरेडी रख दिया था, उसको हम ऐड करेंगे उसके बाद। थोड़ी देर ओनियन को फ्राई कर लेंगे जैसे ये थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद ही हम टमाटर इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए ओनियन थोड़ा सा पक गया है, इसके बाद हम टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये जल्दी पक जाए, टमाटर और ओनियन मिक्स हो जाए एक साथ। अभी देखिए टमाटर और ओनियन अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और देखिए ब्राउन कलर भी आ गया है, मसाला रेडी हो गया है। अभी इसमें हम पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि मस्टर्ड सीड्स का हमने पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट ऐड करेंगे। और ये सब्जी ना इतना टेस्टी होता है, मैं क्या बताऊँ, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर आपको पता चलेगा ये कितना टेस्टी है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं होता है, बस सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, इतना ही, एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी ऐड नहीं होता है। उसमें भी ये इतना टेस्टी होता है,
मैं तो चाहती हूँ आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इसको, और मुझे बोलिए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और ये पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा देर तक इस पेस्ट को इसमें ऐड करके फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये पेस्ट ऐड करने के बाद 1 मिनट बस फ्राई करना है। उसके बाद ये मसाला ऐड कर दीजिए, टर्मरिक पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर, और तुरंत पानी भी दे देना चाहिए, क्योंकि ये मसाला अगर थोड़ा सा भी जल जाता है तो टेस्ट तो एकदम ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का। इसीलिए अभी मैं पानी ऐड कर दूंगी इसमें, जिससे ये टेस्ट ख़राब ना हो। ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस पेस्ट को ज़्यादा देर ऐसे ही फ्राई नहीं करना चाहिए। पानी तुरंत ही कुछ 1 मिनट बाद ऐड कर लेना चाहिए, जिसका इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है। पानी देके कुछ देर फ्राई करने के बाद इसमें हम मशरूम जो फ्राई करके रखे थे और बॉयल पटाटो जिसको मैंने कट करके ऑलरेडी रख दिया था, उसको इसमें मिक्स करना है। पटाटो ऐड करना नहीं ऐड करना ये आपकी मर्जी है, हमारे उड़ीसा में तो पटाटो कंपलसरी खाते हैं, इसीलिए मैं ऐड कर लिया। आपकी मर्जी, आप सिर्फ मशरूम से ही इसको बना सकते हैं। फिर इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेना चाहिए, मिक्स कर लेना चाहिए मसाले के साथ। उसके बाद इसको इसमें पानी देके इसको बॉईल करने के लिए थोड़ी देर रख लीजिए। अभी इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिए। ये देखिए हमारा टेस्टी छत्तू बेसर रेडी हो गया है, और देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इसके ऊपर। इसको आप रोटी के साथ, राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी आया था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच।